जहां एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, लोगों में खौफ है, वहीं आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाला पिपरहिया गांव, जहां पर महादलित बस्ती में राशन नहीं मिल रहा है, जिससे महादलित के लोगों का जीना काफी मुश्किलों में हो गया है। ऐसे में जहां जिला प्रशासन, सरकार, सभी से यह अपील किया जा रहा है कि राशन हर हाल में उनको दिया जाएगा, तो ये महादलित बस्ती में डीलरों के मनमानी कहिए या कुछ और, ये तो जांच की विषय है। डीलर ने भी बताया कि उनके पास राशन नहीं है, लेकिन महादलित के लोगों ने कहा कि डीलर के पास राशन आया था और वो उन्हें नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो भी दोषी है उनके ऊपर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यह संकट का घड़ी है और संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है। महादलित के लोग दूसरे के दरवाजे पर जाकर मांग कर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अब बताइए, लॉकडाउन हुआ है, राशन की राशन आप लोग को मिल रहा है? नहीं सर, कब से नहीं मिला, कौन नहीं दे रहा है? ये दोनों डीलर नहीं दे रहा है सर, 2-3 महीना ऐसे ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्या सर, कहते हैं कि बोलते हैं कि हमारा राशन नहीं उठ रहा है। तो अभी मुश्किल घड़ी में यहाँ का मुखिया वगैरह से कुछ आप लोगों ने बात नहीं किया है? वो सर नहीं आ रहा सर। कहने आप लोग कहाँ से मिल रहा है, कहाँ खा रहे हैं? हम लोग इधर उधर से कमा उमा के कुछ से व्यवस्था करते हैं सर। अभी तो सब चीज़ बंद है, तो आप लोग कैसे काम अपना पेट भर रहे हैं? अभी कहाँ काम हो रहा है सर, तो कैसे खाना पीना हो रहा है? अब कहाँ करें सर, कैसे किसी आदमी कसम अपन अपन जुगाड़ करके खाते पीते हैं। मतलब कहाँ से जुगाड़ करते हैं जी, कहाँ से आप लोग? कोई गांव में कोई के धंधा फांदा करते हैं तो वो लोग अपन देता है सिर भरा सर दूसरे। यानी जी खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया जी। हाँ, राशन नहीं मिल रहा आप लोग को? जी नहीं, राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ मिलता है राशन, कौन गांव में आप लोग का है? यही गांव में है सर। कौन सा गांव है ये? पिपरहिया। ठीक है, नाम बताइए। हीरा। ऐसे खाना पीना कोई लोग आठ पैसा नहीं है जो, तो वह पान हो गए सिपाही लोग मारे लगातार लोग खून पर, तो कैसे जाएंगे? तो हती तीन गो बचन के पोसीला ना सवा का बाना बेटा, तो कथी करे? तो कहाँ से खाती चलो, तो कहाँ से जन तन से मांग कर तना आटा चल कितना से मांग के टोली से मांग के जब रब दे धर तो हतना ना खाए पेट नहीं भरत नहीं के भरत का नाम है सुरजी कहाँ कर रहे वालू ए जे के पिपरहिया के पिपरहिया के छ गो मन लड़का बाड़न सा आ टूर बाड़न सा एकर बाप नहीं थे कनी के पोसे खतरा हम कहाँ से ले आन के पोसी बूढ़ी में दी। तो अभी खाना कहाँ से खा रही है? खाना कहाँ से माने वो होने जाता नहीं तब के हतना चाउर दिला खिया था अपना आलू आता खाता नहीं दूसरे दूसरे घर से मांग के। हाँ, डीलर दे रहा है? डीलर राशन, डीलर राशन दे लान तब ही नहीं खन दे अभी नहीं दिया है। हाँ, क्या बोला डीलर, कुछ बोला गया डीलर के द्वारा? ना कुछ नहीं किया बोला, यानी मांग के खाम खाना पीना। हाँ। का नाम है? हमारा। हाँ? धान के सर। तो बाबू हमारा के राशन नहीं के दे, खाली एगो हमारा लड़का के दे। अब हमने के कमला लगवानी है कमाई खाए वाला का कौन है ना दे ला कहला जे ना नहीं के तोर नाम नाम नहीं के ना का नाम पड़ी हमार कबूतरी। हाँ। तो काम धंधा लगते नहीं के खाए के मिलते नहीं कुछ नहीं। कैसे खाना पीना हो चलता? कैसे कसम चलता? राशन उसन मिलल ह ना के बाय का जाके राशन देबे ला डीलर वहां के सर? डीलर लोग का कहता लोग? डीलर लोग कहता लोग राशन ना मिले। राशन ना मिले? काहे ना मिले? ना पूछ नहीं है कुछ नहीं है का बोलला ना कहता ना मिले कारण ना बताइला ह बता रहा हां ठीक बात। कैसे खाना पीना चलता? कसम चलता। ठीक बात, का नाम है? और मोती आ जाए। लॉकडाउन हुआ है आप लोग के बस्ती में, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। कब से नहीं मिल रहा है, क्या समस्या? डीलर लोग राशन ले आता है, बेच देता है, हम लोग तो काम करने जाते हैं तो भी उधर से काम नहीं लगता है।
इन लोग से डीलर से हम लोग मांगने नहीं जाते हैं तो लोग बेच देते हैं, कहते हैं जो नहीं मिलेगा। कौन डीलर है यहाँ का? रामेश्वर डीलर या कमलेश डीलर। तो मतलब कि वो तो राशन देने के लिए बात हो, तो अभी राशन मिला है? अभी आप लोग कैसे अपना? अभी नहीं, कोई नहीं मिला है। तो अभी आप लोग कैसे खा पी रहे हैं अपना? कैसे खा रहे हैं अब पूरे परिवार को, आधा आधा रोटी आधा आधा को खा के जी रहे हैं हम लोग। काम धंधा पूरी तरीके से बंद? काम धंधा पूरी तरह बंद है सरकार। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? डीलर लोग राशन नहीं देते हैं, उसी के लिए हम लोग उसके द्वार पर गए थे, पूछे तो नहीं मिलेगा। तो मुखिया को क्या संपर्क किया आप लोगों ने? नहीं, मुखिया जी से अभी नहीं संपर्क किया। क्या नाम है आपका? राम जी। राम कहाँ के रहने वाले हैं? महादलित बस्ती जो पिपरिया में है, वहाँ के लोगों का कहना है कि राशन नहीं मिला काफी लंबे समय से। नहीं नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। अगले माह में राशन बटाया है। अभी तो 22 मार्च से पूरे माने समझ कि लॉकडाउन हो गया, इसलिए समझ इनकी अब टोटल व्यवस्था एकदम समझ इनकी मैंने चरमरा गया है। आरोप है कि राशन डीलर साहब बेच दिए हैं, वो लोग 2-3 महीना से राशन नहीं दे रहे हैं हम लोग को। तो कहने के लिए किसी का मुंह नहीं रोका जाएगा, जो भी कहता है उसको हम लोग को सुनना है, हम लोग को जवाब थोड़े देना है। वो तो फिलहाल संकट की घड़ी है। हाँ संकट सरकार ने भी कहा है कि राशन हर घर तक पहुँचाया जाएगा। जी जी, महादलित है जी, इनको नहीं मिलेगा तो ये तो कहीं भी जा नहीं सकते। ना ना सर, बहुत दिक्कत है, हम लोग भी समझ रहे हैं। इतना महामारी हो गया कि दलित आदमी जो रहता है यहाँ, कमाने खाने वाला आदमी है, काम तो कहीं लग नहीं रहा है, ना प्रशासन कहीं टाउन में जाने दे रहा है, तो ये लोग जाएगा कैसे, कैसे कमाएगा? तो कब तक इन लोगों को मिलेगा अनाज? लगता है कि मैंने 2-4 दिन में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। भूखे मरेंगे तो वो तो हमारी गलती नहीं है। वरीय अधिकारियों से जी जी मिलता तो की समस्या है? जी सर, ये तो कहना उचित है कि हम लोग वरीय पदाधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए वो लोग क्या निदान निकलते हैं। ठीक है, नाम बता लीजिए। मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। डीलर है जी जी। बात कर लो। अब बताया जाए, आपके क्षेत्र में एक समस्या आ रहा है, महादलित बस्ती में राशन नहीं मिल रहा। हमको भी पता चला है, अभी आए थे 2-4 ठो महादलित के लोग कि राशन नहीं मिल रहा है, डीलर लोग राशन नहीं दे रहा है। तो हम बात किए वो लोग से कि चलिए वो डीलर नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें, हम आगे बात करेंगे SDO साहब से, चाहे और भी पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। अपने पार्टी स्तर से भी हम उन लोगों को राशन की व्यवस्था में लगे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बवन यादव और डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से बात हुई है, माननीय सांसद से भी बात हुई है कि दलित बस्ती में राशन की व्यवस्था हमारे पार्टी स्तर से भी किया जाएगा। अभी नहीं जो भेंडर जो डीलर, तो फिर कार्रवाई पर भी कार्रवाई होने की बात, अब वो लोग आवेदन देंगे क्या करेंगे तब ना। अभी संतोष कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, आरा, भोजपुर।